हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शुद्ध शाकाहारी भोजन में, जहां हम आपके लिए बहुत ही शाकाहारी और देसी भोजन लेकर के आते हैं। तो आज हम एक स्पेशल नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसको आप मिक्स चाप भी बोल सकते हैं। तो इस चाप को हम तीन चीज़ों को मिक्स करके बनाएंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ईजी बनेगा। और इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। हम ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। इसके लिए हमें चार आलू चाहिए और ये सिंपल आलू है। सिर्फ आलू को हमने बॉईल करके इसका चोखा तैयार कर लिया। इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैश कर लें, मतलब थोड़ा पहले का बॉईल है तो थोड़ा कड़ा हो जाता है। इसको मिलाने के बाद दो बारीक कटी हुई टमाटर चाहिए इसमें, और बहुत ही बारीक बारीक से चॉपिंग इसकी होनी चाहिए टमाटर की। इसको ऐड करने के बाद आलू के साथ इसको मिला दीजिए ताकि हर तरफ ये पहुंच जाए। एक बारीक कटी हुई प्याज, और ये भी बिल्कुल बारीक होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इन तीनों को डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिला लेंगे और धीरे धीरे इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाते रहनी है ताकि ये तीनों चीज़ जो है वो अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालना शुरू करेंगे। आलू अगर बीच में थोड़ा कड़ा कड़ा रह गया है तो इसको फिर से मैश कर लीजिए। अब इसमें हमें चाहिए हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, दो बड़ी चम्मच हमने इसमें लिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा इसको, और बारिश के मौसम में इतना टेस्टी चाप बहुत स्वादिष्ट है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार एक छोटी चम्मच डाला हमने इसमें, और इसको फिर से अच्छे से मिलाते रहिए ताकि मसाला जो अदरक लहसुन का सॉरी जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था, नमक हल्दी, इसको अच्छे से बिल्कुल मिलानी है। तो ये हमारी लगभग मिल चुकी है। अब हमें चाहिए आमचूर पाउडर आधी छोटी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच। ये टेस्ट को दोगुना कर देगा इस चॉप को। और इनको डालने के बाद इसको पूरे टेक्सचर को अच्छे से, जो भी मसाला हमने तैयार किया है ये आलू का, इसको बिल्कुल अच्छे से हम मिला देना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें हम डालेंगे बेसन 100 ग्राम। तो आप देख सकते हैं, एक बार में पूरा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल के देखिए। अगर इतने में बाइंडिंग हो जाएगा इसका तो और बेसन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले इसको डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से आपको मिलाते रहना है। मिला मिला कर खुद से देख के पता चलेगा कि इसमें और बेसन की आवश्यकता है या नहीं। तो उसको धीरे धीरे इसको जिस तरीके से मिला रहे हैं, मिला करके ऊपर आवश्यकता पड़ रही है तो थोड़ा थोड़ा और ऊपर से ऐड करते रह जाइए। अभी तुरंत इसको डाल के पानी नहीं डालनी है। पूरा इसको मिलाने के बाद जब लगे कि, क्योंकि टमाटर है इसमें, टमाटर ऑलरेडी बहुत पानी निकलता है इसमें से, तो हमें जब ज़रूरत पड़ रही है तब हम यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। और बिल्कुल ज़रा सा, मतलब 2 चम्मच के लगभग डाला, और इसको मिलाते रहे क्योंकि टमाटर पानी अगर छोड़ने लगेगा तो ये बिल्कुल पचपचा सा हो जाएगा और ये इसको हम बना नहीं पाएंगे, गोला गोला अपना शेप इसको नहीं दे पाएंगे चॉप को, इसीलिए इसमें पानी बहुत कम। तो आपने देखा उसमें पानी में ये कितना अच्छे से बन गया है, हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब थोड़ा सा टमाटर हमने और इसमें रख दिया था क्योंकि हमें लगा कि बहुत ज़्यादा होगा, तो अभी अभी ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें हम और भी डाल सकते हैं। तो पहले मिला लीजिए, मिलाते मिलाते इसको देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पता चला कि बहुत ज़्यादा टमाटर पहले ऐड कर दिया तो थोड़ा सा ये गीला हो जाएगा तो बनने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये देखिए, अगर हाथ की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हाथ से ही बनानी है, तो हाथ ले करके इसमें अपने अनुसार जो भी आप इसको साइज़ देना चाहें, और इसको तब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए इसमें, इस मतलब कोई भी पकौड़े अगर आप तल रहे हैं, चॉप तल रहे हैं, तो आप में इसके लिए आपको रिफाइंड ऑयल चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल से बहुत अच्छा सा कुरकुरा बनता है ये, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा आता है इसमें। तो कुछ भी फ्राई करने के लिए आप सरसों का तेल प्रयोग ना करें, क्योंकि हम खाने में ही सरसों का प्रयोग करते हैं, वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ भी फ्राई करने के लिए सरसों का तेल हम ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि फ्राई करने के लिए हमें रिफाइंड ऑयल अच्छा लगता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, जो भी आपको फ्राई के लिए ठीक लगे। और धीरे धीरे इसको उलट पलट करनी है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है नीचे, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से हमने बाइंडिंग दिया हुआ है। और यही क्या होता, अगर टमाटर भी है, पानी भी ज़्यादा डाल देते तो ये पूरे तेल में बह जाता ये पूरा। और इसको धीरे धीरे बिल्कुल ब्राउन कलर का कलर इसमें हमें देना है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा अच्छा लग रहा है। बारिश के मौसम में इसको बना करके चाय के साथ खाइए, इसको आप खट्टी मीठी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, स्पेशली हम कहेंगे कि इसको टोमेटो केचप के साथ खाइए। ये देखिए तोड़ करके, तो इसमें बीच में टमाटर नहीं दिख रहा है,
रेसिपी कैसी लगी आप हमें बताइएगा, और कम हमें पसंद आए तो लाइक करिएगा।